आज के इस इवेंट में जो कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन यूथ, इस सेमिनार का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने HEC के कोलैबोरेशन में किया, जिसका एक वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना था, क्योंकि जो बढ़ता हुआ रुझान नशे का यूथ में है, ठीक है, कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्या क्या प्रोफेशनल रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं, और किस तरह से अपने आने वाली नस्लों को इस बुरी लानत से बचाया जा सकता है। इसमें तमाम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और अपनी कीमती आरा से ऑडियंस को जो है इन नॉलेज प्रोवाइड की। मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी सर्च लेबॉरेटरीज़ का, जो कि हमेशा इस तरह के एकेडमिक प्रोग्राम्स को वॉलंटियर बेसिस पे सपोर्ट करते हैं, और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमेशा इनकी हमारे साथ रहती है। मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसी तरह से अगर आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही, तो हम जिस मकसद के लिए निकले हैं कि ज़हनी सेहत सबके लिए, ठीक है, अगर कोई पर्सन अपना माइंड चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो लाइफ चेंज कर सकता है। और इस कॉज के पीछे हमेशा सर्च लेबॉरेटरीज़ की जो सपोर्ट रही है, उसके लिए मैनी थैंक्स टू योर अथॉरिटीज़ एंड योर टीम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अनदर इवेंट। वेरी वेल, थैंक यू सो मच।